जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो वीडियो के स्टार्टिंग में जितने भी चार्जिंग एनिमेशन आपने देखा, सभी चार्जिंग एनिमेशन आप अपने सैमसंग के किसी भी फ़ोन पर अप्लाई कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और सैमसंग के फ़ोन ही नहीं, अगर आपके पास Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo कोई भी फ़ोन हो, किसी भी फ़ोन पर ये चार्जिंग एनिमेशन आप यूज़ कर सकते हो। और इन सभी चार्जिंग एनिमेशन को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर एप्लीकेशन यूज़ करने वाला हूँ। तो रुको, जरा सब्र करो। और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपको इन सभी चार्जिंग एनिमेशन को सेटअप करना है, मतलब सेट करना है। तो पहले वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को पूरा देखो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस वीडियो में जिस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ, इस एप्लीकेशन का नाम है फ्लैशिंग चार्जिंग एनिमेशन। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ऊपर जो एक परमिशन है जिसको आपको अलाउ करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको अलाउ कर लेता हूँ। और आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो कि अगर सब्सक्राइब का बटन रेड दिख रहा है तो उसको दबाकर ग्रे कर दो। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक और ऑप्शन रहेगा चार्जिंग एनिमेशन का, इसी के अंदर आपको सभी चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो इसके अंदर 100+ चार्जिंग एनिमेशन शो कर रहा है और बहुत ही अलग अलग टाइप का चार्जिंग एनिमेशन है, अलग अलग कंपनीज़ का है, जैसे Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, इन सभी कंपनीज़ का चार्जिंग एनिमेशन यहाँ पर है, जिसको आप अपने किसी भी फ़ोन पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको चार्जिंग एनिमेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे एक अप्लाई का ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये सिंपली अप्लाई हो चुका है, लेकिन कभी कभी आपको ऐड शो कर सकता है। जैसे कि अगर मैं दूसरे कोई एनिमेशन पर क्लिक करूँ और सेट पर क्लिक करूँ, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है कि आपको ऐड देखना पड़ेगा इसको सेट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और एक ऐड शो करेगा, जिसको मतलब स्किप नहीं करना, आपको पूरा देखना है। उसका जब कट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर सेट तो हो चुका है, चलिए देखते हैं कि मतलब ये वर्क करता है कि नहीं और कैसा देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पर चार्जिंग केबल अपने फ़ोन पर प्लग इन करूँ, तो आप देख सकते हो कि कुछ ऐसा चार्जिंग एनिमेशन आपको शो करेगा। तो ऐसे ही आप इस एप्लीकेशन के अंदर कोई भी चार्जिंग एनिमेशन अपने फ़ोन पर सेट कर सकते हो। अगर आपका चार्जिंग एनिमेशन बोरिंग टाइप का है, जैसे कि मेरे फोन में सैमसंग के फोन में है, तो उस केस में आप यहाँ से कोई भी चार्जिंग एनिमेशन को सेट कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर आप ड्यूरेशन भी कस्टमाइज कर सकते हो। इसके लिए सिंपली अगर आप कोई भी चार्जिंग एनिमेशन को अप्लाई करने जाओगे तो वहाँ पर एक सेटिंग्स का ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक सेंटर फ्रूट कैसी जी ब्लाबाबाई। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक ड्यूरेशन का ऑप्शन है। यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूँ तो इसके अंदर बहुत सारा टाइम शो कर रहा है, जैसे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। तो आप इनमें से अपने हिसाब से कोई एक सेकंड को सिलेक्ट कर लेना और उतने देर के लिए ये चार्जिंग एनिमेशन शो करेगा। तो आप लोग यूज़ करके देखो एप्लीकेशन कितना अच्छा लगता है, मुझे आप कमेंट सेक्शन पर बता सकते हो। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो।